नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्लिक। बीते 15 तारीख को किसान आंदोलन ने दिल्ली के बॉर्डर से अपना जो है धरना वो स्थगित किया। उसके बाद किसान अब अपने घरों को लौट चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद किसानों के सामने अभी कई सवाल बाकी हैं। उनमें MSP का सवाल बाकी है, उनमें एक न्यूनतम आमदनी का जो सवाल हम जिसे कहें वो बाकी हैं। किसान आंदोलन का क्या होगा, संयुक्त किसान मोर्चा का क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा, जिस तरीके से राजनीति पूरी उलटफेर हो रही है उस परिस्थिति में किसान आगे कैसे बढ़ेंगे, ये सारे एक महत्वपूर्ण सवाल हैं। इन्हीं सवालों पर आज बात करने के लिए हैं हमारे साथ डॉक्टर अशोक धवले। ऑल इंडिया किसान सभा के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उनसे हम बातचीत की शुरुआत करेंगे। शहर की जो जनता है, मिडिल क्लास जनता, उसके लिए ये आंदोलन बहुत, मैं कहूँ, नए तरीके का आंदोलन था, क्योंकि इससे पहले उसने हम कहें कि आंदोलन नहीं देखा था। हमने कुछ आंदोलन देखे थे जो बड़े आंदोलन भी थे, लेकिन इस तरीके के कंसिस्टेंट आंदोलन नहीं थे। अन्ना आंदोलन की बात करें तो एक ऐसा ही आंदोलन था करप्शन के खिलाफ, दिल्ली में कुछ दिनों तक चला, जिसके बाद में लोकपाल और उन सब की व्यवस्था की बात की गई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हाँ, ये जरूर हुआ कि दिल्ली की राजनीति बदल गई। और जब हम इस परिस्थिति की बात करते हैं तो उनके लिए दिल्ली की जनता को या फिर जो भी शहरों में रहने वाली जो जनता है, उनको लगता है कि अचानक ये आंदोलन अचानक से कहाँ से आ गया। लेकिन इसकी पूरी पृष्ठभूमि है, चाहे वो मंदसौर की गोलीबारी है, चाहे वो ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति की फॉर्मेशन की बात है। अगर आप बता पाएँ, और हम अगर बातचीत की शुरुआत ही इससे करें कि इस आंदोलन की जड़ें आप कहाँ से ढूंढते हैं, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही आपने कहा। ये जो पिछले एक साल तक रहा किसान आंदोलन, बहुत ही ऐतिहासिक था, बहुत ही अभूतपूर्व था, और इससे पूरे देश को प्रभावित किया। मध्यम वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, और बाकी सभी छात्र, नौजवान, महिलाएं। लेकिन ये आंदोलन ऐसे जिसको हम कहते हैं सडनली उभर कर नहीं आया। इसको जो पृष्ठभूमि है ये हम समझनी चाहिए, और वो शुरू होती है एक्चुअली अगर देखा जाए 1991 में, ये जब सब नव उदारवादी नीतियाँ इनको लागू कर दिया गया कृषि क्षेत्र में, उससे आस्ते आस्ते इसका शुरुआत होता है। और हम देखते हैं जानते हैं कि 1995 से लेकर 2020 तक कुल मिलाकर 4 लाख से ज़्यादा किसानों ने कर्जे की वजह से हमारे देश में आत्महत्या की है। इस प्रकार का हादसा पूरे देश के आज़ादी के बाद के इतिहास में कभी नहीं हुआ जो ये हुआ। तो लगातार ये बढ़ रहा था, लेकिन एक्चुअली उसके अंदर बहुत बड़ी तीव्रता आई 2014 के बाद, जब नरेंद्र मोदी जी के BJP सरकार ने हाथ में सत्ता ले ली। तब से हम देखते हैं कि उन्होंने यही नवउदारवादी नीतियों को बहुत ज़्यादा गति के साथ आगे बढ़ाना शुरू किया। और ये जब जैसे उन्होंने शुरू किया, पहला बहुत बड़ा संघर्ष हुआ तुरंत एक साल बाद 2015 साल में, और उस इसके अंदर मोदी जी ने और BJP के सरकार ने ये जो भूमि अधिग्रहण कानून था 2013 का, जो UPA सरकार ने बनाया था, जिसके बनाने में वामपंथी दलों ने, हमारे अखिल भारतीय किसान सभा ने और दूसरे भी कई संगठनों ने बहुत बड़ा योगदान किया था। कुल मिलाकर वो ठीक कायदा था, कानून था, उसमें इन्होंने 2015 में संशोधन करने वाला अध्यादेश लाया, ऑर्डिनेंस, लैंड एक्विजिशन ऑर्डिनेंस। अब वो ऑर्डिनेंस लाने के बाद उसमें क्या था, किसानों को पूरी तरीके से ख़त्म करना, उनकी ज़मीन पूरा उनके हाथ से ले लेना, और कॉरपोरेट को देने के लिए बहुत आसान करना, ये था उसका मकसद वो ऑर्डिनेंस का। इसके खिलाफ किसान सभा ने सभी दूसरे कई संगठनों को एक साथ लाया, भूमि अधिकार आंदोलन नाम का एक प्लेटफॉर्म बना, और उसके तहत पूरे देश भर में बहुत बड़े आंदोलन 2015 में हुए।
करीबन 400 जिलों में ये जो अध्यादेश था उसकी होली कर दी गई, उसको जला दिया गया। बहुत बड़े प्रदर्शन हुए, दिल्ली में भी दो बहुत बड़े प्रदर्शन हजारों किसानों के हुए, और उसके चलते अगस्त 2015 में पहली बार नरेंद्र मोदी को इस अध्यादेश को वापस लेना पड़ा। ये पहली जीत थी एक्चुअली किसान आंदोलन की, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद ये लैंड एक्विजिशन ऑर्डिनेंस उनको वापस लेना पड़ा। ये इससे शुरुआत होती है। उसके बाद कई दूसरी घटनाएं हुई। 2016-17 में राजस्थान में अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में बहुत बड़ा संघर्ष हुआ कर्जा माफ़ी के लिए, हमारे न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए, पेंशन बढ़ाने के लिए, मनरेगा को और ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष हुआ, और उस संघर्ष में हम लोग जीते। 50,000 रुपये की कर्जा माफ़ी किसानों को राजस्थान में मिल गई 2017 में। उसी के साथ और एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ महाराष्ट्र में, वो था 1 से 11 जून 2017 में किसान सभा ने सभी संगठनों को साथ में लाया और 11 दिन का किसानों का हड़ताल हुआ। हमने मजदूरों के हड़ताल सुने हैं, शिक्षकों के सुने हैं, डॉक्टर के सुने हैं, छात्रों के सुने हैं, लेकिन किसानों के हड़ताल किसी ने सुना नहीं। ये बहुत बड़ा हड़ताल हुआ 11 दिन। इसका मतलब क्या था? महाराष्ट्र के किसानों ने अपना दूध, अपनी सब्जी, अपने फल ये शहरों में लाने का बंद कर दिया 11 दिन। बहुत नुकसान हुआ उनका इसकी वजह से, लेकिन उन्होंने ये किया क्योंकि कर्जा माफ़ी का मुख्य डिमांड था, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले वो डिमांड था, ये सब मांगे को लेकर ये 11 दिन का हड़ताल हुआ। बीजेपी की सरकार थी महाराष्ट्र में, और 11 दिन के बहुत बड़े इस संघर्ष के बाद बीजेपी सरकार को महाराष्ट्र में 2 लाख रुपये तक का किसानों का कर्जा माफ़ करने का उनको एग्रीमेंट करना पड़ा। 32,000 करोड़ रुपए का कुल मिलाकर पैकेज लोन वेवर ये उनको देना पड़ा इस आंदोलन के चलते। तो ये एक बहुत बड़ी बात हुई। अभी उसके बाद तुरंत मंदसौर की घटना हुई। एक्चुअली मंदसौर में जो कर्जा माफ़ी और न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए जो आंदोलन हुआ, उनमें से कुछ लोग महाराष्ट्र के ये हड़ताल के अंदर उन्होंने देखा। मंदसौर पे एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा था, मंदसौर पे जब हम किसानों से बात कर रहे थे तो हमें जो समझ में आया कि उस घटना का जो ट्रिगर पॉइंट था वो ये, क्या ये था कि लहसुन उगाने वाले जो किसान हैं उनका जो लहसुन है वो रिलायंस के स्टोर में 147 रुपये किलो बिक रहा था और बाहर 1 रुपये किलो बिक रहा है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वो बहुत महत्वपूर्ण एक कारण था, और बाकी भी सभी फसलों को पूरा दाम गिर चुका था, तो इसलिए ये मंदसौर का बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। बीजेपी के मध्य प्रदेश सरकार ने गोली चलाई, 6 हमारे किसान साथी शहीद हुए, और उसके बाद ये जो हादसा हुआ उसके बाद में जिसका आपने जिक्र किया, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति वो बनी दिल्ली में, और इसके अंदर करीबन फिर आस्ते आस्ते बढ़कर 200-250 संगठन साथ में आए किसान संगठन। उसमें भी अखिल भारतीय किसान सभा का बहुत बड़ा शुरुआत से ही बहुत बड़ा हिस्सा था, बाकी भी संगठन थे, और उनकी तरफ से बहुत बड़े पैमाने पर नवंबर 2017 में इसी दिल्ली में एक किसान संसद हुई, एक महिला किसान संसद हुई और एक किसान संसद हुई, और उसके अंदर दो मामलों को मद्देनज़र रखते हुए पूरे देश भर में आंदोलन शुरू करने का निर्णय हुआ। उसमें ये कर्जा माफ़ी की एक बात पूरे देश के किसानों के लिए, और MSP जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो स्वामीनाथन कमीशन ने कहा था 2006 साल में, लेकिन 15 साल से किसी ने कुछ किया नहीं उसके बारे में, कि वो लागत खर्चे का 1.5 गुना दाम हर किसान के हर फसल को मिलना चाहिए। तो ये किसान संसद ने ये तय किया, और उसके बाद में बाकी चीज़ हुआ। उसके दरमियान मार्च 2018 में महाराष्ट्र राज्य किसान सभा ने AIKS की जो ब्रांच है उसके अंदर जो बहुत बड़ा किसान लॉन्ग मार्च जिसके बारे में पूरा देश जानता है, भूमि पट्टों को लेकर, लेकिन कर्जा माफ़ी का भी
जो बाकी सवाल थे, न्यूनतम समर्थन मूल्य के सवाल थे, आदिवासी किसानों को पट्टा मिलना चाहिए वनाधिकार कानून के तहत, पेंशन का सवाल था, तो ये 6-7 दिन का बहुत बड़ा मार्च हुआ। 50,000 किसान नासिक से मुंबई तक 200 किलोमीटर चले 7 दिन, और एक्चुअली पैदल चले, और उसका वो सब चित्र आपने देखा होगा, पूरे देश में चला। उसके बाद में भी बीजेपी सरकार को झुकना पड़ा और सभी के सभी मांगों को मान्य करना पड़ा चर्चा करके किसान सभा के साथ। और उसके बाद फिर से नवंबर 2018 में एक बहुत बड़ा किसान मुक्ति मार्च अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की तरफ से यहाँ दिल्ली में हुआ। वो करीबन 1 लाख हमारे किसान पूरे देश भर के ये नवंबर 2018 में आए और इन मामलों को उन्होंने फिर से जिक्र किया। उसके अंदर तब तक हमने एक काम किया था, यह कि सीसी की तरफ से पूरे देश भर में हम गए और ये दो कानून, ये कर्जा माफ़ी वाला और न्यूनतम समर्थन मूल्य वाला, सभी एकेडमिक्स होंगे, लीगल जो ये होंगे, उन सब के साथ बात किया, किसानों के साथ तो किया ही, और ये दो कानून हमने तैयार किए और वो कानून के मसौदे हमने ये किसान मुक्ति मार्च में उनको कबूल कर दिया। उसके साथ में 19 मांगों का और एक बहुत बड़ा डिमांड्स चार्टर, फार्मर्स डिमांड चार्टर, वो भी हमने उसमें पारित किया। वो कानून जो है उसके जो ये प्रारूप है वो हमारे कॉमरेड के रागेश, जो अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव थे, आज भी है, उन्होंने राज्यसभा में रखा और राजू शेट्टी जी ने उसको लोकसभा में रखा। ये दोनों कानून के अंदर प्राइवेट मेंबर बिल के हैसियत से रखा, अर्थात मोदी सरकार उसको पास करने वाली नहीं थी, ये तो बात सही है। और एक इम्पॉर्टेंट घटना 5 सितंबर को हुई दिल्ली में, वो हुई कि CITU किसान सभा और खेत मजदूर यूनियन पूरे देश भर में, उन्होंने दिल्ली में बहुत ज़बरदस्त मार्च निकाला। 2 लाख उसमें मजदूर, किसान और खेत मजदूर साथ में आए, 2018 की बात मैं कर रहा हूँ, और ज़बरदस्त लाल झंडे पूरे दिल्ली राजधानी के अंदर, दूसरा झंडा ही नहीं दिख रहा था, सिर्फ लाल झंडा, हसिया हथौड़ा, क्योंकि तीनों संगठन का वही झंडा है। तो ये भी एक 5 सितंबर वाला बहुत बड़ा हुआ। उसके पहले 9 अगस्त जो भारत छोड़ो का दिन है, महात्मा गांधी जी ने 1942 में जो कॉल दिया था, 9 अगस्त को हमारे तीनों संगठनों ने पूरे देश भर में एक ज़बरदस्त जेल भरो आंदोलन हमने छेड़ा, जिसके अंदर 10-12 लाख लोग पूरे देश भर में, हर जिले में, हर तहसील में उन्होंने उसके अंदर सहभाग लिया। तो ये सभी आंदोलन लगातार 2015 से लेकर 2018 तक ये चलते रहे, और ये आंदोलन के चलते हुए जो एक माहौल बना पूरे देश भर में, तो ये 3 कृषि कानून जब लाए गए, जून में पहले अध्यादेश के रूप में 2020 में, और सितंबर में उन्होंने पार्लियामेंट में पूरी लोकतंत्र की हत्या करते हुए इन कानूनों को जब पास करवाया, तो जून के बाद बहुत बड़ा संघर्ष शुरू हुआ। AIKCC ने शुरू किया, बाकी सभी पंजाब हरियाणा के संगठन, इन्होंने चालू किया कि ये तीनों कानून रद्द करना चाहिए, MSP का कानून करना चाहिए। और अक्टूबर 2020 में AIKCC ने अगवानी लेकर ये बाकी सभी संगठनों को एक साथ मीटिंग में बुलाया, बड़ी परिषद हुई गुरुद्वारा रकाबगंज में, यहाँ दिल्ली में, और उसके अंदर सभी लोग साथ में आने का तय हुआ, और उस मीटिंग से संयुक्त किसान मोर्चा का जन्म हुआ। ये सब, फिर 500 संगठन आए, पहले 250 थे AIKCC में, और 200-250 संगठन जुड़ गए, और उसके बाद में 500 से ज़्यादा संगठनों का SKM बना, और SKM ने फिर कॉल दिया, AIKCC ने पहले ही दिया था कि 26-27 नवंबर को पूरा दिल्ली को हम घेरेंगे, घेराव करेंगे, ये कॉल दिया था। उसी दिन 26 नवंबर को एक बहुत अच्छी बात हुई, सभी हमारे देश के केंद्रीय मजदूर संगठनों ने साथ में आकर 26 नवंबर को उन्होंने पूरे देशव्यापी हड़ताल, ऐतिहासिक हड़ताल था, करोड़ों उसके अंदर गए, क्योंकि ये कृषि कानून पास करने के बाद एक हफ्ते के अंदर ये 4 लेबर कोड ये भी मजदूरों के खिलाफ ये मोदी सरकार ने पास करवाए थे पार्लियामेंट में। निजीकरण की पूरी मुहिम चालू थी,
तो ये सब सवाल साथ में आए। 26 नवंबर को दिल्ली चलो का कॉल किसान संगठनों ने, पूरे देशव्यापी हड़ताल का कॉल मजदूर संगठनों ने इन्होंने दिया, और 26 नवंबर 2020 सही में एक बहुत ऐतिहासिक दिन है हमारे देश में। उसके बाद और फिर उसके बाद में ये सब आंदोलन के उभर कर किसान जो है दिल्ली बॉर्डर्स पर बैठे और उसके बाद इतिहास है। डॉक्टर साहब, जो मेरा अगला जो सवाल है वो आपसे ये है कि देखिए, जब हम किसान आंदोलन के बड़े नेताओं को सुनते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए पंजाब जिसका जिसकी धुरी रही और जहाँ से फिर चीज़ें फैलती गईं और बढ़ी आगे, वहाँ के एक बड़े नेता हैं बलबीर सिंह राजेवाल। बलबीर सिंह राजेवाल जब यहाँ पे स्टेज पे संबोधित करते थे तो वो बार बार कहते थे कि ये कोई आपकी मामूली लड़ाई नहीं है, ये आपने राजनीतिक आज़ादी हासिल कर ली है, ये आर्थिक आज़ादी की लड़ाई है, है ना। अलग अलग संगठनों की अलग अलग समझ थी इस संघर्ष को लेके जो हुआ और फिर आप लोग फाइनली जीते भी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इस पूरे संघर्ष की समीक्षा जो है वो करना चाहे तो कैसे करेंगे? ये जो आपने कहा बिल्कुल सही है। अलग अलग ये 500 किसान संगठन, जैसे मैंने कहा, वो सब एक साथ में आए, उनकी विचारधारा अलग अलग थी। इनमें से कुछ लोग तो नवो उदारवादी नीतियों को समर्थन करने वाले थे पहले में, कुछ मध्यम मार्गी थी, कुछ वामपंथी थी, लेकिन ये इशू बेस्ड स्ट्रगल के ऊपर, मुद्दों के ऊपर, ये तीनों कानून रद्द करो, फिर MSP का कानून करो, इलेक्ट्रिसिटी बिल को वापस लो, और पराली वाला मामले में किसानों को ये सताना बंद करो, इन चार सवालों के ऊपर ये सभी संगठन मुद्दों के आधार पर एक साथ आए। ये बहुत बड़ी बात है, पूरे हमारे देश के इतिहास में ऐसी बात अभी तक, यानी आज़ादी के बाद हुई नहीं, आज़ादी के पहले होने का बात ही नहीं था, क्योंकि उस वक्त सिर्फ अखिल भारतीय किसान सभा एक ही मुख्य रूप से संगठन थी, लेकिन बाद में जो कई संगठन हुए, पहली बार इतिहास में ये सब साथ में आए और पूरे साथ में एक साल तक रहे और आगे भी रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि हमारी आखिरी मीटिंग में हमने तय किया कि संयुक्त किसान मोर्चा बरकरार रहेगा। सिर्फ बरकरार रहेगा इतना नहीं, वो ज़्यादा मजबूत हम बनाएंगे आगे के समय में, क्योंकि तीनों कृषि कानून रद्द होने से किसानों की सभी समस्या हल नहीं हुई। आज भी MSP की समस्या है, आज भी ये पूरे कर्जा माफ़ी की समस्या है, बाकी कई समस्या है, तो इनको लड़ने के लिए ये जो अभी प्लेटफॉर्म बना है SKM, जिसको पूरे देश ने स्वीकार लिया है, किसानों ने तो पूरी तरीके से स्वीकार लिया है, इसको हम कामयाब रखेंगे। दूसरी बात हम आपको बताएंगे कि इस आंदोलन में बहुत बड़े दमन का किसानों को सामना करना पड़ा। जब हम दमन की बात कर रहे हैं तब मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि इसका कॉस्ट क्या रहा, क्योंकि ह्यूमन कॉस्ट भी था इसका, अगर आप इसको भी बता पाए। बिल्कुल बिल्कुल सही। देखिए, इस एक साल के आंदोलन में हमारे 715 से ज़्यादा किसान ये शहीद हुए दिल्ली की सीमाओं पर, यानी एक्चुअल ये आंदोलन जो दिल्ली की सीमाओं पर ये जो चला, और आप सब जानते हैं कि इसके अंदर अगवानी की सबसे पहले पंजाब के बहादुर किसानों ने, उसके बाद हरियाणा के बहादुर किसान, UP के किसान, उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश, जो दिल्ली के इर्द गिर्द के राज्यों थे उनके अंदर, और उन्हीं से ये शहीद हुए हैं 715। सबसे ज़्यादा पंजाब से है, उसके नीचे हरियाणा, उसके बाद UP, ये सब है। तो 715 लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की, जो अपने परिवारों के साथ अपने घरों में हो सकते थे, बिल्कुल, जो रह सकते थे घर में, और ये हमारा सबसे, यानी बहुत प्रेरणा स्थान है, ये हमारे शहीदों की वजह से एक्चुअली आज उन्होंने जो अपना खून बहाया, इसलिए हम ये आंदोलन को जीत पाए। एक जो दमन हुआ 26 नवंबर से, ये दमन शुरू किया BJP के हरियाणा सरकार ने, BJP के केंद्र सरकार ने, आप तो जानते हैं, आंसू गैस, पूरा पानी के तोफ, ये पूरे ठंडी में, और लगातार गिरफ्तारियां, पुलिस केस, ये सब हुआ, और उसका चरम सीमा जो हुआ वो लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर 2021 को, जब इस भारत का
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी उसके नेतृत्व में गाड़ियां सीधा जाके शांततापूर्ण काम करने वाले किसानों को उनको कुचल डालती है, रौंद डालती है। चार हमारे किसान वहां शहीद होते हैं, एक पत्रकार शहीद होता है। तो ये बहुत ही बड़ा हादसा, हत्याकांड हुआ और इसके खिलाफ पूरा देश एक साथ में लड़ा। बड़ी बड़ी हमने शहीद अस्थि कलश यात्रा पूरे देश भर में निकाली। 15 अक्टूबर को जो दशहरा का दिन है, जिस दिन हम रावण के पुतले को हम जलाते हैं, उस दिन इसके हमने कॉल दिया पूरे देश भर में। ये जो आधुनिक रावण है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उसके बाद योगी आदित्यनाथ, अजय मिश्रा टेनी, मनोहर लाल खट्टर, ये बीजेपी के नेताओं के पुतले को फूंक डालो। और दशहरा के दिन मैं आपको कहता हूँ, हजारों जगह में पूरे देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से गुवाहाटी तक, हजारों जगह में ये बीजेपी के नेताओं के पुतले लाखों किसान मजदूरों ने जला डाले दशहरा के दिन, हम ये देखते हैं। तो ये दमन का सामना बहुत बड़ा करना पड़ा। दूसरा, बदनामी का सामना करना पड़ा। सबसे पहले शुरुआत में आप जानते हैं, ये पंजाब वाले हमारे बहादुर किसान आए, उनको खालिस्तानी, ये खालिस्तानी है, ये अभी आ गए, वो चला नहीं मामला। फिर बाद में बोलने लगे माओवादी है, नक्सलवादी है, क्योंकि लाल झंडे के लोग तो थे ही, लेकिन उनमें से कोई माओवादी नक्सलवादी नहीं थे, उनको बदनाम करने के लिए माओवादी नक्सलवादी। फिर बोलने लगे ये तो देशद्रोही लोग हैं, राष्ट्र विरोधी लोग हैं। एक तो केंद्रीय मंत्री जो भाजपा का, उसने तो बोला इस आंदोलन को मदद कर रहे हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान, यानी यहाँ तक ये लोग चले गए। और दुर्भाग्य की बात है कि कई हमारे गोदी मीडिया उसी मामले को पूरा साल भर चलाया। उनका नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा देश जानता है गोदी मीडिया में कौन कौन है। तो एक साल तक पूरा ये बदनामी की मुहिम बीजेपी आरएसएस वालों ने, बीजेपी के आईटी सेल ने, इनके मंत्रियों ने, सांसदों ने, विधायकों ने, सब जगह चलाई, लेकिन फिर भी किसान पीछे नहीं हटे और उसका सामना हमने किया। तीसरा, ये कोरोना जैसा जो बहुत बड़ा संकट पूरे देश भर और पूरे दुनिया के ऊपर आया, ये कोरोना का संकट का भी किसान आंदोलन ने एक साल तक सामना किया और उसके ऊपर भी जीत हासिल की। ये मामूली बात नहीं थी। मोदी जी ने क्या सोचा था, 3 कृषि कानून और ये लेबर कोड जब लाए सितंबर में, उनको लगा अरे कोरोना चालू है, किसकी हिम्मत नहीं होगी रास्ते पर आने की। यही उन्होंने, ये एक्चुअली उनका मकसद यही था कि लोग कुछ करेंगे नहीं, ये इस समय में हाथ धो डालो और ये सब प्रो कॉरपोरेट, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, जनता विरोधी, ये सब कानून पार्लियामेंट में पास करा लो। लेकिन उसको भी गलत ठहराया किसानों ने। पूरे कोरोना के वक्त में 26 नवंबर 2020 तो कोरोना का वक्त था, उस वक्त किसान दिल्ली में आकर बैठे। और जो दूसरी लहर अप्रैल में 2021 में आई, जिसके अंदर जो सबसे ज्यादा डेडली थी, एकदम बहुत ही सर्वनाश उसने किया, उस वक्त भी केंद्र सरकार ने इस आंदोलन को हटाने का कोशिश किया। और उस वक्त एसकेएम ने कॉल दिया कि भाई ये दूसरी लहर है, ये बात सही है, लेकिन उसके अंदर भी सरकार का ये षड्यंत्र, हमें पूरा उसका सामना करना पड़ेगा। ये दूसरे लहर में ज़्यादा किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर आना चाहिए, और आए हजारों किसान अप्रैल मई महीने में आए। तो ये सब पूरा उनका षड्यंत्र हमने खत्म किया। और एक्चुअली किसानों ने क्या किया, दिल्ली के जो कोरोना के मरीज थे उनको मदद का हाथ हमारे किसानों ने जुटाया उस दिन, उस वक्त 2-3 महीने में, ये बात सब जानते हैं पूरे तरीके से। तो ये बातें ये सब हुई। इस आंदोलन का और एक जो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये पूरा शांतिपूर्ण आंदोलन रहा एक साल तक। और हमने पहले से ये तय किया था कि शांतिपूर्ण आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि अगर हिंसा होगी तो सरकार को उसकी मदद होगी और उनको कुचल डालना वो ज़्यादा आसान होगा। तो ये पूरा शांतिपूर्ण, लाखों किसान थे दिल्ली के सीमाओं पर, लाखों किसानों ने पूरे देश भर में, ये आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं था। जब एसकेएम का कॉल आता था, 3 भारत बंद के कॉल आए, चक्का जाम के कॉल आए, रेल रोको के कॉल आए, कई प्रदर्शनों के कॉल आए, तो ये सब पूरे देश भर में, हर राज्य में, करीबन 30 राज्यों में
ये 28-30 राज्यों के अंदर हजारों लाखों की तादाद में किसानों ने हिस्सा लिया, पूरा शांतिपूर्ण तरीके से हमने चलाया। और एक जो खासियत है इस आंदोलन की, वो है कि ये आंदोलन पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्ष था। सभी धर्म के, आप देखो पंजाब से सिख धर्म के हजारों किसान थे, बाकी जगह से हिंदू किसान थे, मुसलमान किसान, मलेरकोटला से मुसलमान आए थे। उत्तर प्रदेश में हम जब ये 5 सितंबर की महापंचायत हुई तो वहाँ देखा हमने कि उन्होंने उतर के जो है बकायदा किसान महापंचायत को सफल बनाया। मुजफ्फरनगर की महापंचायत, आपने एकदम सही कहा, 5 सितंबर को जो 10 लाख लोग इकट्ठा हुए उनमें से लाखों मुसलमान किसान भी थे, जो 2013 में ये बीजेपी आरएसएस ने जो दंगा घड़ाया था उधर मुजफ्फरनगर में, और तब किसानों के अंदर बहुत बड़ा दरार पैदा हुआ था, उसको पूरा जमा के लाया और एकता बनाई वहाँ पर। तो वो थे, क्रिश्चियन थे, बौद्ध समाज के थे, गाजीपुर पे बौद्ध समाज के काफी काफी लोग थे, बिल्कुल हर जाति के किसान भी इसके अंदर थे, हर जाति के, और धर्म, हर धर्म, हर जाति, हर भाषा बोलने वाले, हर राज्य के, हर विभाग के, यानी इस प्रकार का एक अभूतपूर्व आंदोलन पूरा देश भर कभी भी इसने देखा नहीं। और आखिरी बात जो है, इस आंदोलन ने एक्चुअली टारगेट किसको किया, ये जो सांप्रदायिक और तानाशाही बीजेपी आरएसएस की सरकार और वो जिसकी दलाली पिछले 7 साल से कर रही थी, ये बड़े बड़े कॉरपोरेट्स देशी और विदेशी जिनके प्रतीक बने अंबानी और अदानी, क्योंकि वही प्रतीक थे, उनको ही पूरा मदद 7 साल से वो कर रहे, उनकी ही दलाली कर रहे, और चुनाव में यही लोग फिर इनको पैसा देते हैं बीजेपी को। ये जो पूरा राजनीति है, गठजोड़ जो था, गठजोड़ जो है उसको पूरी तरीके से बेनकाब ये आंदोलन ने किया। और एक तरफ से अगर देखा जाए, ये सभी मांगों को अगर देखा, तो इन्होंने एक्चुअली इस आंदोलन ने पूरे नव उदारवादी नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल चढ़ाया। ये पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हो रहा था, और इसलिए ये आंदोलन की जो विशेषता है ये हमको ध्यान में रखनी चाहिए। एक आखिरी बात जो मैं कहूँ, इस आंदोलन से क्या हुआ, राजनैतिक असर भी उसका पड़ने लगा, क्योंकि हम जानते हैं सहयोगियों में बेसिकली जो है हम कहें कि वो हुआ, पहले अकाली दल ने साथ छोड़ा और बाकी जो एकदम अकाली दल ने पहले साथ छोड़ा पंजाब के, यही तीनों कृषि कानून के सवाल पर, और वो और शिवसेना बहुत पुराने थे ना इनके, शिवसेना तो पहले ही दूसरे कारणों की वजह से हट गई थी, अकाली दल हट गया, ये बहुत अच्छी बात हुई। और उसके बाद आप देखते हैं, देखो केरल, तमिलनाडु, बंगाल, तीन चुनावों में विधानसभा के एसकेएम ने कॉल दिया था कि बीजेपी को हराओ सभी जगह में, और केरल में तो हमने देखा बीजेपी की एक विधायक था वो भी जीरो पर आ गया, उनका वोट परसेंटेज भी घट गया, वामपंथी सरकार हमारी दूसरी बार लगातार आ गई 44 साल के बाद, एक रिकॉर्ड बनाया। तमिलनाडु में इनका जो गठबंधन था एआईडीएमके के साथ पूरा साफ हो गया, डीएमके और बाकी वामपंथी दलों और बाकी का गठबंधन चुन के आया। बंगाल में भी बीजेपी हार गई, पंजाब में तो आप जानते हैं मोदी और शाह। अच्छा, बंगाल, बंगाल के बारे में एक चीज इंटरेस्टिंग ये भी थी कि किसान आंदोलन जम के प्रचार किया था वहाँ पे, नहीं हमें हमें जो खबरें थी कि जो है इंटीरियर्स में जाके जो है पूरा प्रचार हुआ था, बंगाल में किया था कि बीजेपी को हराओ किसी भी हालत में। आसाम में भी हम गए थे, आसाम में वो थोड़े में जीते, 0.25% वोट से जीते, नहीं तो वहाँ भी हारते थे वो, लेकिन ये तीन राज्यों में हारे। लेकिन उतना ही नहीं, फरवरी 2021 में पंजाब के तीनों स्तर के नगर पालिका चुनाव हुए, पूरा सुपड़ा साफ हो गया बीजेपी का पंजाब में, पूरे महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर पंचायत, उसमें फरवरी 2021। इंटरेस्टिंग चीज़ जो देखने वाली वो ये भी है कि हरियाणा में जब उपचुनाव हो रहे थे, या फिर अभी हम जो है जिसे कहें कि हिमाचल में जब चुनाव हो रहे थे, चुनाव हुए तब वहाँ के किसानों ने साइलेंटली, जो सेब उगाने वाले किसान हैं उन्होंने अपना मैंडेट दिया और बीजेपी हार गई। एकदम सही, एकदम सही। ये तो अभी हुआ दिसंबर में ये जो उपचुनाव, उसके पहले अप्रैल महीने में उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव हुए, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, उसमें बीजेपी की करारा हार हुई,
बहुत बड़ी हार हुई उनकी इसके अंदर। और जो आपने बोला बिल्कुल सही है, हिमाचल में सेब के सवाल पर, ये तो अदानी उसको लूट रहे थे पूरे हमारे हिमाचल के किसानों को। हरियाणा में तो बहुत ज़बरदस्त आंदोलन हुआ, राजस्थान में हुआ, तीनों चुनाव में बीजेपी हार गई। और ये सब जो राजनीतिक असर इसका गिरा, मुझे लगता है आने वाले यूपी, उत्तराखंड और पंजाब के विधानसभा चुनाव जो अभी 2-3 महीने में होंगे, मुझे लगता है कि ये मद्देनज़र रखते हुए बीजेपी आरएसएस के लोग डर गए, मोदी जी और ये सब डर गए, और इसके चलते 19 नवंबर को उनको ये तीनों कृषि कानून रद्द करने का फैसला उनको ऐलान करना पड़ा। डॉक्टर साहब, एक जो चीज़ है ना, हम कहें कि थोड़ा हम जब किसान आंदोलन को क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं हम, तो ये बात आप लोगों की सही है कि ये आंदोलन जो है धर्मनिरपेक्ष आंदोलन रहा और इसमें जो है सभी धर्म के लोग शामिल रहे और सारी चीज़ें नहीं। लेकिन आपको लगता है कि ये कैरेक्टर जो है बचा रहेगा, क्योंकि धर्म और जाति जो है वो बहुत पुरानी पहचाने हैं जिसके साथ लोग जीते आए हैं। अभी हम पंजाब की घटनाओं को अगर ध्यान से देखें तो जो किसान दिल्ली से लौट कर वापस गया था, उसे दोबारा बताने की कोशिश हो रही है कि तुम सिख हो, जो बेअदबी की पूरी घटनाएं हुई हैं वो सब। क्या आपको लगता है कि ये इतना आसान होगा कि जो किसान जो है वो किसान ही बने रहें, वो सिख या मुसलमान या हिंदू ना रहें? क्या है कि इसके अंदर ज़रूर प्रयत्न होंगे, हाँ पूरे प्रयास होंगे ये धर्म को सामने लाने के लिए, सांप्रदायिकता को सामने लाने के लिए ये ज़रूर प्रयास होंगे, उसमें कोई सवाल नहीं है। लेकिन जो ये पूरे एक साल के आंदोलन ने जो हासिल किया है, क्योंकि एक साल का आंदोलन ये कोई मामूली बात नहीं है ना, वो लगातार उस आंदोलन के अंदर लोगों ने देखा है, खास करके मुजफ्फरनगर के रैली में देखा है, सभी जो महापंचायतें, कितने सैकड़ों महापंचायतें हुई, यूपी में हुई, उत्तराखंड में हुई, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिल्कुल मध्य प्रदेश, कंसिस्टेंट, यानी इतनी बड़ी महापंचायत, मैं आपको कहता हूँ कि लाखों की तादाद में किसान और मजदूर उसके अंदर हिस्सा लिए। अब वो सभी महापंचायतों में ये धर्मनिरपेक्षता का मैसेज रखा गया हर बार। आपको याद होगा मुजफ्फरनगर में तो राकेश टिकैत जी ने तो कॉल ही दिया था, हर हर महादेव और अल्लाह अकबर, तो इस मुताबिक ये बातें ये हुई थी। तो ज़रूर ये इसका सामना हमारे किसान करेंगे, लेकिन उसके लिए लगातार हमको मुहिम चलानी पड़ेगी। हमको यानी ये इसको ये नहीं रहना चाहिए, जिसको हम कहते हैं ना, हाँ वो नहीं रहना चाहिए, बहुत सतर्क रहना चाहिए। और इस प्रकार की जहाँ जहाँ घटनाएँ होंगी उसके साथ में बिल्कुल भिड़ने का भी पूरा एक हिम्मत हमको रखना चाहिए, और लगातार ये कैंपेन जो हमने किया वो आगे लेके जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, अब यहाँ से ना हम कहें कि दूसरा एक और जो सवाल है वो हमारे सामने शुरू होता है। देखिए, जब हम किसी भी सरकार को देखते हैं, ये जो जो प्रेजेंट का जो आंदोलन था, जो आप लोग जीते और धमाकेदार जीत हुई, और इसने मुझे लगता है कि बाकी जो आंदोलन जो देश में चल रहे हैं उनको नई आशा दी कि लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। अभी बैंक कर्मियों की 2 दिन की हड़ताल हुई थी और बड़ी हड़ताल हुई, उन्होंने बकायदेश के लिए अपना वेतन कटवाया। एक जो चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा था कि ऐसी पूरी परिस्थिति में किसी कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि संयुक्त किसान मोर्चे जैसा कोई प्लेटफॉर्म जो है वो रहे और वो उसको भविष्य में भी चुनौती देता रहे, क्योंकि आपके एक कॉल पे अगर लाखों किसान सड़क पे आ जाएं तो आप अपने आप में एक बड़ी शक्ति हैं, है ना। लेकिन हम ये भी पा रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चे में कह सकते हैं कि दरारें भी हमें दिख रही हैं। बलबीर सिंह राजेवाल जो हैं वो जगजीत सिंह डल्लेवाल को कहते हैं कि वो संघ के नेता हैं, वो संघ के इशारे पर काम करते रहे हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अपनी राजनीतिक पार्टी का जो है ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा कि वो पंजाब की जितनी भी 117 विधानसभा सीटें हैं वो लड़ेंगे। ऐसे में आप जो सवाल कह रहे थे कि संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो बना रहेगा और वो मजबूती के साथ लड़ेगा, क्या आप इस बात को लेकर आश्वस्त हैं, या फिर ये जो चीज़ें हो रही हैं इन
इन मैं कहूँ घटनाओं को आप किस तरीके से देखेंगे? देखिए, मैंने शुरुआत से ही क्या कहा कि ये सब जो 500 संगठन एक साथ आए, अलग अलग विचारधारा के थे, अलग अलग नेता थे, ये सब बात सही है। ये कुछ घटना जो हुई, हमने आखिरी की जो मीटिंग हुई है SKM की, उसमें हमने ये तय किया कि SKM के इंडिविजुअल नेता शायद चुनाव में पड़ेंगे भी। जैसे आपने कहा, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अभी अपनी पार्टी फ्लोट की है, दूसरे भी कुछ लोग शायद चुनाव लड़ेंगे, तो ये स्वाभाविक है, उसको कोई रोकने का सवाल नहीं। मैं इसीलिए मैं आपको थोड़ा रोक रहा था, इसीलिए क्लैरिटी भी मैं थोड़ा चाह रहा था आपसे कि जब तक संयुक्त किसान मोर्चा था तो उसका एक रिजॉल्व था कि हमारे संगठन पे कोई भी व्यक्ति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आके बात नहीं रखेगा, वो और किसी कैपेसिटी में आ जाए, वो और किसी क्षमता में आ जाए, वो और किसी संगठन से आ जाए, लेकिन बतौर किसी राजनीतिक पार्टी जो है वो जो है नहीं आएगा मंच पे और भाषण देगा। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने जो है अपनी जो ये पार्टी का ऐलान किया, क्या आपको लगता है कि किसानों को जो है राजनीति में उतरना चाहिए जिस तरीके का इन्होंने किया है? देखिए, कैसा है उसमें SKM का जो मैं आपको बोल रहा था, हमने ये तय किया कि जो भी कोई नेता ये कोई पार्टी निकालना चाहे, चुनाव लड़ना चाहे, उसको कोई पाबंदी नहीं होगी, लेकिन SKM का नाम ये किसी भी चुनाव के अभियान में कोई भी नेता इस्तेमाल नहीं करेगा, ये बहुत क्लियर हमने तय किया था। आखिरी मीटिंग में सिंघू बॉर्डर में जो हुई, वहाँ भी इस बात को ऐलान किया गया था। तो ये बात है, क्योंकि SKM ये किसानों का प्लेटफॉर्म है, उनके सवालों के लिए बनाया प्लेटफॉर्म है। अभी किसान कोई भी नेता राजनीति में नहीं गिरेगा ये पॉसिबल नहीं है, वो गिरेंगे, कुछ लोग करेंगे उसके अंदर, लेकिन SKM की एकता को रखने के लिए SKM के नाम का, यानी गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ये नहीं बता पाएंगे कि हम SKM के हैं और ये हमारा राजनीतिक पार्टी SKM की है, ये बिल्कुल वो नहीं करेंगे। और ऐसा हमने तय किया, ऐसा जो कोई करेगा वो SKM में नहीं रहेगा, ये भी बात क्लियरली हमने रखी, सबके सामने रखी, सभी लोगों ने रखी। तो ये बात है, इंडिविजुअली वो क्या करे वो अलग बात है, लेकिन SKM जो बना ये किसानों के मुद्दों पर लड़ने के लिए, और उसकी एकता बिल्कुल बरकरार रहेगी। अभी 15 जनवरी को हमारी SKM की मीटिंग होने जा रही है दिल्ली में, उसके अंदर हम ये तय करने वाले हैं सरकार ने जो भी कुछ कबूल किया उसका लागू किया या नहीं किया, उसके बारे में कुछ हम तय करेंगे। ये केसेस पीछे लेना, मुआवजा देना हमारे शहीदों के परिवारों को, MSP की कमेटी उन्होंने बनाई तो उसके बारे में क्या हुआ, तो ये सब चीज़ का हम समीक्षा करेंगे, और ये सब मामले जो उठे हैं उसकी भी हम करेंगे। लेकिन हमें पूरा विश्वास है, ये छोटे छोटे चीज़ पिछले एक साल में भी होते आए हैं, ऐसा मत समझिए कि एक साल की एकता जो रही उसके अंदर कुछ कुछ ऐसी बातें नहीं हुई, ये तो ये हुई है, लेकिन उसको पूरे मैच्योरिटी के साथ, परिपक्वता के साथ SKM ने डील किया है और आगे भी ज़रूर कर पाएगा, क्योंकि ये पूरा आखिर में किसानों का ये जो पूरी एकता बनी उसका एक रिफ्लेक्शन करके SKM की लीडरशिप है ना। इसलिए SKM के कोई भी लीडर SKM को छोड़ने का सवाल ही नहीं आया एक साल में, क्योंकि सब जानते थे मास प्रेशर किसका था, किसानों का मास प्रेशर था, लाखों किसान पूरे देश के, और अगर कोई हटता तो वो पूरी तरीके से साइडलाइन होता, जैसे हुआ ना VM सिंह का, आपको याद है VM सिंह खत्म हो गए, जो AIKCC के कन्वीनर थे एक ज़माने में, लेकिन जब उन्होंने किसानों के खिलाफ के भूमिका लेना शुरू किया वो तो कहीं के नहीं रहे, ये तो अभी इस आंदोलन ने हमने देखा है ना। तो इससे ज़रूर असर होगा, और SKM के जो कुछ तय हुए हैं उसूल उसको कोई उल्लंघन नहीं करेगा, ये हमें ज़रूर उम्मीद है। डॉक्टर साहब, अब हम आखिरी दौर में पहुंच रहे हैं अपनी बातचीत की, मुझे याद है अभी भी कि मैं और आप जो है प्रेस क्लब में थे, और वहाँ पे जो है किसान कमीशन का जो है ऐलान हो रहा था ना, बुनियादी तौर पे साईनाथ इसको जो है पूरे एड्रेस कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि किसान कमीशन जो है वो
तमाम चीज़ों पे बात करेगा, MSP पे बात करेगा, क्लाइमेट चेंज पे बात करेगा, और उसके बाद जो है हम लोगों की कोई एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट आएगी। मैं किसान कमीशन का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि MSP का जो सवाल है वो बड़ा सवाल है, और वो जो है न्यूनतम आमदनी का, मैं जिसे कहूँ सवाल, उसको डील करना जो है अपने आप में एक पेचीदा सवाल है, क्योंकि उसमें रीजन्स अलग है, फसलें अलग अलग बोई जा रही हैं, उनकी कॉस्ट्स अलग हैं, फिर हम कहें कि उनके पकने का टाइम जो है वो भी अलग है। तो ये जाहिर तौर पर एक कॉम्प्लेक्स इशू होने वाला है, और उसमें किस तरीके से MSP तय होगी वो एक सवाल है। MSP के सवाल को आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं, और क्योंकि आज आप लोगों की एक मीटिंग भी है यहाँ पे, है ना, कि आगे आगे कैसे बढ़ना है, क्या आपको, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो न्यूनतम हम आय जिस जो कह रहे हैं कि हम किसानों को एक दिला पाएंगे, इसका रास्ता आपको क्या समझ में आ रहा है? ये MSP वाला मामला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं आपको कहता हूँ। और अगर किसानों की आत्महत्याओं को रोकना है, और ये जो कृषि संकट पिछले 30 साल से जो बहुत गहरा होता आ रहा है उसको अगर सुलझाना है कुछ हद तक, तो ये MSP वाला मामला ये सही में कानूनी अधिकार के रूप में होना चाहिए। वही तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन के राष्ट्रीय किसान आयोग ने वही कहा था कि लागत खर्चे का 1.5 गुना दाम जब तक किसानों को नहीं मिलता तब तक ये कृषि संकट कभी भी दूर नहीं होगा, किसानों की आत्महत्या कभी भी बंद नहीं होगी। तो ये MSP वाला मामला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके लिए मुझे लगता है 2-3 बातें ज़रूर हमको सोचनी चाहिए। ये प्राथमिक मेरे विचार है, उसके ऊपर और ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए। C2+50%, यानी C2 यानी क्या, जो अपना लागत खर्चा अभी लागत खर्चा क्यों बढ़ रहा है? लागत खर्चा इसलिए बढ़ रहा है कि ये पूरे कॉरपोरेट सेक्टर, मल्टीनेशनल हो या हमारे देशी हो, इनके हाथ में पूरे बीज का उत्पादन, खादों का उत्पादन, उसके बाद में एक कीटनाशक का उत्पादन, ये सब अभी किसके हाथ में चला गया? ये सब ये कॉरपोरेट कंपनियों में। और कल ही हमको किसी को बोल रहा था, करनाल में ये पेस्टिसाइड का जो दाम है ये पिछले 4-5 साल में 800 गुना बढ़ा है, 800 गुना। फर्टिलाइज़र DAP का दाम तो बहुत ज़बरदस्त, यानी 200 गुना बढ़ा है कुछ सालों में। अगर ये होता रहेगा, उसके ऊपर अगर कंट्रोल हम नहीं रखेंगे, यानी लागत खर्चे के ऊपर, यानी ये कॉरपोरेट्स के ऊपर कुछ तो कंट्रोल रखना पड़ेगा, दाम के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, बोगस भी कई चीज़ आती रही है अभी अपने पूरे किसान के इसके अंदर, ये सब अगर नहीं करेंगे तो वो पहला करना चाहिए। अगर MSP C2+50%, यानी लागत खर्चे का 1.5 गुना दाम अगर देना होगा, पहले ये C2 को कम करना पड़ेगा। एक, उसके लिए ढेर सारे कदम उठाने पड़ेंगे, पूरा वो पॉलिसी का मामला है। और ये अगर किया तो MSP 50% के ऊपर वो देना ज़रूर पॉसिबल होगा, उसमें कोई सवाल नहीं। यहाँ लोग बोलते हैं कि भाई कैसा होगा, सरकार के पास पैसा कहाँ है, ये सब। हमारा ये कहना नहीं है कि सरकार ने हर माल को पूरा खरीद करना चाहिए, ये बात नहीं है। उसके अंदर और भी तरीके हैं, जो कॉरपोरेट फूड प्रोसेसिंग और ये सब करते हैं तो उसमें से जो उनका मुनाफा मिलता है उसमें से कुछ मुनाफा किसानों को दे दी, ये अगर दे देंगे तो उसमें MSP मिल सकेगा, ये एक बात है। पूरी सहकारी क्षेत्र को और आगे बढ़ाना, कोऑपरेटिव, इसका भी इम्पोर्टेंट बात है। और मुख्य रूप से ये बोल रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। अभी आपने लेटेस्ट आपने देखा होगा 10.72 लाख करोड़, 10.72 लाख करोड़ रुपए पिछले 7 सालों में मोदी सरकार ने ये मुट्ठी भर कॉरपोरेट्स को कर्जा माफी दे दी। ये तो अभी पूरा मामला सबके सामने आया, देश के सामने, दुनिया के सामने आया है। यानी 11 लाख करोड़ रुपए आप अगर कुछ आपके मुट्ठी भर कॉरपोरेट्स को कर्जा माफी देते हो तो आप ये करोड़ों किसानों को क्यों नहीं कर्जा माफी दे सकते? ये हमारी मांग है किसान सभा की। अगर आप 11 लाख करोड़ दे सकते हो, अभी टैक्स कंसेशन कितना दिया, इतना ही है, बहुत बड़ा
ये टैक्स कंसेशन बंद करो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को, उसमें से एमएसपी का जो आपको देना है वो ज़रूर आप दे पाएंगे सभी किसानों को, ये बिल्कुल पॉसिबल है, उसमें कोई सवाल नहीं है। तो ये बात हो सकती है, इसके ऊपर और ज़्यादा गहराई में चर्चा करनी चाहिए। हमने अखिल भारतीय किसान सभा में ऐसा एक थोड़ा चर्चा शुरू की है कि इसके ऊपर क्यों ना दिल्ली में एक राष्ट्रीय कन्वेंशन हो, एमएसपी कैसे दिलाई जाए, इसके लिए 1, 2, 3, 4 क्या करना चाहिए, तो हम उसके बारे में अखिल भारतीय किसान सभा सोच रही है। और जो बाकी इसके अंदर एक्सपर्ट है, कृषि तज्ञ है, हमारे किसान है, तो इन सबको साथ में लेके ये अगले 2-3 महीने में हम उसका एक कुछ ज़रूर एक उसका ये हम बनाएंगे। डॉक्टर साहब, जब हम लागत की बात कर रहे हैं है ना, तो हम ये पा रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जो है वो विश्व स्तर की जो जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पर जाके जो है जीरो बजट फार्मिंग के बारे में बात कर रहे हैं, और जो कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि एक्सपर्ट्स हैं, वो इस पूरी जो व्यवस्था है उसको फ्रॉड कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई जीरो बजट की चीज़ नहीं है। क्या किसान संगठनों की भी कोई राय बनी है इस पूरी, क्योंकि एक संकट तो है कि हम कहें कि जो भी केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इन सब के एक्सेसिव यूज़ की बात तो बिल्कुल सही है। पंजाब में एक ट्रेन चलती है बकायदा जिसे हम कैंसर एक्सप्रेस कहते हैं, लेकिन ये भी सवाल है कि जब जीरो बजट फार्मिंग की भी बात हो रही है तो वो किसान और जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये होने वाला नहीं है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट तो है ही। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? देखिए, ये ज़ीरो बजट फार्मिंग जो मोदी जी बोल रहे हैं ना, ये और एक जुमला है, ये फ्रॉड ही है, ये जुमला है, दूसरा और कुछ नहीं। ये बात बनेगी नहीं। मैं आपको कहता हूँ, देखो, इन्होंने अभी आपने बताया ना ज़्यादा आमदनी किसानों को की, 2015 में इन्होंने क्या बोला था, 2022 तक आमदनी दुगनी, किसानों की आमदनी हम दुगना करेंगे, ये मोदी जी ने 2015 में ऐलान किया था। अभी 2022 आने के लिए कितने दिन बाकी है, 8-10 दिन बाकी है ना, अभी तो हम आखिर में दिसंबर में मिल रहे, और कुछ दिनों में 2022 आ जाएगी। लेकिन असलियत क्या है, असलियत ये है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने अभी जो उन्होंने अपना पूरा सर्वे रिपोर्ट जो पेश किया, 27 रुपये, पता चलता है 2013 से लेकर 2019 तक, यानी ये मोदी का काल ही है, एक पहला साल छोड़ दिया जाए तो 2013 से 19 के बीच में किसानों की आमदनी खेती से पहली बार आज़ादी के बाद घट गई है, ये रिपोर्ट बोलते हैं, यानी एनएसएस का, यानी गवर्नमेंट का एक रिपोर्ट है, यानी आमदनी दुगुना होना तो छोड़ दीजिए, आमदनी घटी है पिछले 6-7 सालों में, और ये 2019 यानी कोरोना के पहले की बात। अब कोरोना के बाद तो किसान तो और ज़्यादा उसका तबाही हो गई, बर्बादी हो गई 2020-21 में, तो यानी किसानों की आमदनी इवन कोरोना नहीं थे तब भी 2019 तक ऑलरेडी घट गई थी। तो ये जुमलेबाजी है, दूसरा और कुछ नहीं है, एक नया कुछ दिखाने का, ये दिखाओपना तो बीजेपी आरएसएस हमेशा करते हैं, इससे कुछ नहीं बनेगा, साइंटिफिकली देखना पड़ेगा क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, और उसके मुताबिक पूरा कृषि का जो विकास है उस दिशा में हमको जाना चाहिए, ये बात है। अभी 2-3 बातें और जरा मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि देखो उसके अंदर अभी फसल बीमा योजना का सवाल, बहुत बड़ा हादसा है उसके अंदर, घोटाला, पूरा घोटाला, पूरे ये बीमा कंपनियाँ ये उसके अंदर पूरा मुनाफा कमाती है, किसानों को कुछ नहीं मिलता, प्राइम मिनिस्टर के नाम की योजना है, ये कुछ नहीं होता है। हमारे खेत मजदूरों का ज़रूर जिक्र करना चाहिए, क्योंकि वो भी किसानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब मनरेगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वामपंथी दलों ने बहुत बड़े पैमाने पर उसके ऊपर काम किया, इसलिए वो कानून हुआ। अभी उसके क्या हो रहा है, पूरा उसके ऊपर का निवेश मोदी सरकार पिछले कई सालों से कम कर रही है, 100 दिन का काम मिलना चाहिए खेत मजदूर को, आज एवरेज है सिर्फ 54 दिन, 54 दिन, हमारी मांग है 100 का 200 दिन करो,
आज उनका जो वेतन है 203 रुपया है सेंटर का, तो वो कम कम से कम दुगुना करो। तो हमारे खेत मजदूर भी किसानी का ये हिस्सा है ना, ये एक बात करना चाहिए। जमीन का सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट, अभी ये जो वनाधिकार कानून का मैंने जिक्र किया आदिवासियों के लिए कि पट्टे उनके नाम पे होंगे, 2006 में ये कानून हुआ, उसको भी अभी 15 साल होने को आए, लेकिन आज भी आप देखें पूरे देश भर में करोड़ों ऐसे आदिवासी है कि जिनको इस कानून का पता भी नहीं है। उसको लागू करना तो छोड़िए, उनके नाम पर जमीन होना तो छोड़िए, और आज कुल मिलाकर मैं आपको कहता हूँ कि जमीन का जो बंटवारा होना चाहिए, लैंड रिफॉर्म्स जो हम कहते हैं, जो केरल में हुए, बंगाल में हुए, त्रिपुरा में हुए, जम्मू कश्मीर में हुए शेख अब्दुल्ला के वक्त, हिमाचल में हुए और ये तीन राज्यों में तो वामपंथी जब सरकारें थी तब उन्होंने की। अब इसके बारे में कुछ भी नहीं हो रहा है, उल्टा क्या हो रहा है, पहले तो ये स्लोगन था ना जोतने वालों की जमीन होनी चाहिए आज़ादी के वक्त, लैंड टू द टिलर, अभी स्लोगन क्या है मोदी सरकार का, लैंड टू द कॉरपोरेट्स, यानी एक नए किस्म की जमींदारी ये इस देश में खड़ा करने का पूरा इनका रवैया चल रहा है। तो ये सब मामले जो खेती के साथ जुड़े हुए हैं, इन सभी के सामने हमको ये इसका संघर्ष करना पड़ेगा, ये सब सवालों के ऊपर, तो ही कुछ बात बनेगी और किसानों को और खेत मजदूरों को कुछ ना कुछ सुरक्षा मिलेगी आगे के दिनों में। तो सवाल बहुत है, ये जो पहली बहुत ही ऐतिहासिक जीत हमने हासिल की, ये इसके लिए सही में पूरे देश के पूरे जनता को, किसानों को, मजदूरों को, मजदूरों के संगठनों ने बहुत अच्छा काम किया इसके अंदर, खेत मजदूर संगठनों ने किया, हमारे छात्र, नौजवान और महिला संगठनों ने बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर किया, अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से और संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से हम उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि ये बड़ा संघर्ष हम सब ने मिलकर जीता, लेकिन और भी कई संघर्ष बाकी है और उन संघर्षों के लिए हमको तैयार रहना चाहिए और ज़्यादा बड़े संघर्षों की तैयारी हमें ज़रूर आगे के दिनों में करनी होगी। शुक्रिया डॉक्टर साहब बात करने के लिए न्यूज़ क्लिक के साथ। तो ये थे डॉक्टर अशोक धवले, और भी शख्सियतों को हम आपके पास लाते रहेंगे अलग अलग मुद्दों पर। शुक्रिया।